तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड का पिन बना करके दिखाने वाला हूं घर बैठे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है कोटक महिंद्रा बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन कोटक 811। मेरे पास अकाउंट है और उसी में मुझे एक क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है बिना इनकम प्रूफ के, तो ज्यादा लिमिट भी नहीं दिया है इसने। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपना क्रेडिट कार्ड वर्चुअली दिखाता हूं, क्योंकि मेरे पास डिलीवर नहीं हुआ था, फिर भी मैंने फ्लिपकार्ट से उसका शॉपिंग कर लिया है बिना पिन बनाए हुए। तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप देख पाएंगे माई कोटक और क्रेडिट कार्ड का। तो क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर देख पाएंगे कार्ड ओवरव्यू ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ कार्ड ओवरव्यू के ऊपर, तो यहाँ पर मेरा कार्ड शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मेरा कार्ड नंबर, नाम, एक्सपायरी डेट शो हो रहा है। अगर आपको CVV देखना है तो शो CVV के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ से देख सकते हैं 20,000 का लिमिट, जो कि मुझे बिना इनकम प्रूफ के थोड़ा सा लिमिट दिया है और इसमें से मैंने यूज़ कर लिया है और सिर्फ बचा हुआ है 3,281 रुपये का लिमिट मुझे बचा हुआ है। फ्लिपकार्ट का ऑफ़र भी चल रहा था तो ठीक टाइम पर मुझे क्रेडिट कार्ड मिल चुका है, तो उसका लाभ मैंने उठा लिया है। 1500 रुपये डिस्काउंट करवा लिए हैं मैंने। और यहाँ पर देख सकते हैं ढेर सारा ऑप्शन है, जैसे कि सर्विस रिक्वेस्ट है और उसके बाद मैनेज कार्ड, सेट पिन, यहाँ से आप पिन सेट कर पाएंगे। और आज ही मेरा फिजिकल डेबिट कार्ड भी डिलीवर हो चुका है, तो उसको दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि इसी तरह से पीला वाला कार्ड अर्बन कार्ड मुझे दिया गया है। इसका ज्वाइनिंग फीस 1 रुपया नहीं है दोस्तों। अगर आप 15,000 रुपये साल में इसका यूज कर लेते हैं, इसका जो एनुअल फीस होता है 200-250 रुपये तक का माफ कर दिया जाता है। ठीक, तो मेरा यूज हो चुका है, मेरा अब एनुअल फीस भी नहीं लगने वाला है, मतलब टोटली फ्री है ये कार्ड। तो इसका पिन बनाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं सेट पिन का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आप पिन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे आज ही डिलीवर हुआ, तो देख सकते हैं 11:56 मुझे SMS आया है कि जो मेरा कार्ड है वो डिलीवर हो गया है। और पिन बनाने के लिए एक लिंक दिया है, यहाँ से भी मैं पिन बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ और ये देख सकते हैं ये कोटक के वेबसाइट पर लेके जाता है और पिन बनाने के लिए पूछता है। तो सबसे पहले आपको ऑथेंटिकेशन देना है, प्रोसेस और सक्सेस हो जाएगा आपका पिन, यहाँ से आप बना पाएंगे। दोस्तों अगर आपको भी अगर एरर आता है कोटक के ऐप से बनाने में इसका पिन, तो इस वेबसाइट से आप आसानी से पिन बना पाएंगे। यहाँ पर कुछ डिटेल दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कार्ड नंबर मांगने लग गया है, जैसे कि देख सकते हैं। तो चलिए इसका कार्ड नंबर मैं डाल देता हूँ, उसके बाद एक्सपायरी डेट डालेंगे और ईयर, टोटल डिटेल डाल देंगे, CVV डाल देंगे। और ये फुली सिक्योर वेबसाइट है, कोटक का वेबसाइट है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यहां से देख सकते हैं कि मैंने टोटल डिटेल डाल दिया है, कार्ड नंबर ऊपर चला गया है, एक्सपायरी डेट मैं आपको दिखा नहीं सकता, CVV भी मैंने डाल दिया है। यहां पर आपको 6 अंकों का पिन डालना होता है, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक में 6 अंकों का ATM डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, 6 अंकों का पिन लगता है। ठीक, तो इसके वेबसाइट से मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो ऐप से भी बना सकते हैं। ठीक है, 6 अंकों का पिन डालना है, तो चलिए मैं डाल देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने 6 अंकों का पिन डाल दिया है, दोनों में सेम डाला है, इंटर और री इंटर वाले में, उसके बाद कंफर्म कर देता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कि OTP मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया है, क्लोज कर देते हैं। OTP आ चुका है, तो OTP यहाँ पर ये वाला डालूंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं OTP है 2176 और 81, तो यहाँ पर डालता हूँ। OTP मैंने डाल दिया है और सबमिट। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे कार्ड का जो पिन है वो बन चुका है सक्सेसफुली, और यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यू हैव सक्सेसफुली चेंज द पिन कार्ड नंबर, जो कि last 4 और first 4 दिखा रहा है डिजिट, उसके बाद ये 15 अक्टूबर को बन चुका है 12:31 पर। और एक कन्फर्मेशन मैसेज मेरे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो पिन है वो सक्सेसफुली बन चुका है, एग्जिट कर देते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कैसे मैंने इसका इजिली पिन बना लिया है, आप चाहें तो कोटक के ऐप से भी ये पिन बना सकते थे, यहाँ पर सेट पिन पर क्लिक करके या फिर सर्विस रिक्वेस्ट पर जा करके इंस्टेंट जनरेट पिन के ऊपर क्लिक करके भी आप आसानी से इसका पिन, एक्सपायरी डेट डाल के, CVV डाल के और नया पिन डाल सकते थे, बना सकते थे। इसमें और इसमें दोनों में सेम पिन आपको डालना होता है और सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे, फिर से यहां पर भी OTP आएगा और डालेंगे, आपका पिन सक्सेसफुली बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कैसे मैंने बनाया, अर्बन क्रेडिट कार्ड है ये। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।